गाइस ये है अपनी किया गाड़ी, जैसा कि आप लोग, तो मेरे को कोल्ड कॉफी पीने की इच्छा हो रही थी। अभी हम रुके हुए हैं अपनी विधानसभा के सामने। ये टोंक फाटक रोड है और ये नीचे टर्मिनल बनाया न्यू अभी, ठीक है। और ये देखिए इसकी खूबसूरती, लाइटें कितनी शानदार लगी हुई है, बहुत ही शानदार। और ये देखिए, और ये कैफे है, ठीक है, बहुत ही शानदार लाइट लगी हुई है। टोंक फाटक एक नंबर, टोंक फाटक एक नंबर हो गया है। और ये और जिन लोगों को पता नहीं है, मैं एक डेढ़ साल तक रहा था, कहाँ पे रहा था वो जगह मैं वहाँ पहुँचने के बाद ही बताऊंगा। और वो टाइम मेरा बहुत ही बुरा गुजरा था, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। कभी इस चीज पे मैं इन फ्यूचर बताऊंगा आप लोगों को डिटेल में कि मेरे साथ क्या हुआ था और कहाँ पे रहता था और कैसे मैं बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरी स्थिति से गुजरा था मैं, ठीक है। तो चलते हैं और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर से। अभी मैं गोलू भाई के पास चाय पीने के लिए रुका हूँ, तो गोलू भाई चाय बना रहे हैं। तो भाई ये कौन सी चाय निकाल रहे हो आप, ये क्या निकाल रहे हो? ठीक है चाय, ठीक है चाय निकाल रहे हैं भाई साहब। और भैया भीड़ लगी हुई है यहाँ पे चाय पीने वालों की बहुत ही ज़्यादा, तो भाई मेरे को दे दे चाय यार, मैं बहुत दूर जाऊँगा भाई। फाइनली मैं पहुंच गया कार्तिक भाई के पास और ये है गांधीनगर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आते ही एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। तो चलते हैं, पहले बाइक को सही करवाएंगे, ठीक है। और कार्तिक भाई से आज बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ, मेरा भाई यही है गांधीनगर, हम साथ ही रहते थे। तो कार्तिक भाई कैसे हो ब्रो? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या करते हो यार भाई, आज नहीं करते हमने तो? यार आप ही बिजी हो यार, हम क्या करें, आज आपको टाइम मिला तो हमने निकाला है टाइम। ठीक है चलो, गैस वेल्डिंग वाली दुकान पे चलो, तो आप अनुमान लगाओ क्या करवाना है हमें। तो गाइस मैं जा रहा हूँ नाना जी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे, और नाना जी मेरे को लग रहा है टोकेंगे किसी है। तो नाना जी कहाँ चल रहे हैं अभी अपन? अपन चल रहे हैं भानगढ़। भानगढ़? हाँ। चलो 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 चलो, ओ बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और अपन चल रहे हैं यहाँ पे, शॉप पे रुक रहे हैं पहले। नहीं नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। हाँ। ठीक है, तो कहाँ चल रहे हैं अपन? भानगढ़। अपन चल रहे हैं चौपानगढ़। ओ धीरे धीरे आराम से, जो ठुक तो भाई सामने। अब हम जा रहे हैं हमारी किया सेल्टोस में बैठ के। तो भाई ये है अपनी किया, ठीक है, और इसमें अभी कार्तिक भाई अपने सॉन्ग प्ले कर रहे हैं। चलने तो कार्तिक भाई, कौन सा सॉन्ग चलाओगे व्हीकल ने? दिलजीत का। दिलजीत का, ठीक है। गाइस ये है अपनी किया गाड़ी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये देखिए। और इस क्या आ रहा है यार कैमरे के आगे? बहुत ही अच्छी कॉफ़ी और चाय मिलती है जनता चाय पे, और मैं जब गांधीनगर रहता था यहाँ पे तो चाय पीता था और ऐसे कुड़िया देखता था, बस यही काम था सारे दिन। मैं और राज भाई रहते थे यहाँ पे और कार्तिक भाई रहते थे हमारे साथ। हाँ भाई। तो कार्तिक भाई बदल गए लेकिन चश्मा भी आज वही है। अरे मगर बदले। अभी हम रुके हुए हैं अपनी विधानसभा के सामने और ये अपनी गाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे फोटोज वगैरह खींच रहे हैं और वीडियोस वगैरह बनाएंगे, बहुत ही शानदार, ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही शानदार, एक नंबर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और भाई मैंने तो आते ही सबसे पहले ना जैकेट को उतार के फेंक दिया। अरे कौन सा जैकेट, कौन सी सर्दी, कोई सर्दी नहीं है भाई,
पहले फोटोज वगैरह खींचेंगे और वीडियो बनाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करो भाई लोगों। कार्तिक भाई मेरी फोटोज वगैरह खींच रहे हैं। कार्तिक भाई वंस मोर प्लीज एक और फोटो खींचो मेरी। आपका भाई सनरूफ से फोटो खिंचवा रहा है। तो मेरे को कोल्ड कॉफ़ी पीने की इच्छा हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को पिए हुए, सो इस वजह से आज मैं और कार्तिक भाई कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। और बहुत ही टेस्ट करके देखने दो एक बार मेरे को। वाव, अरे भाई एक नंबर है यार। पता है इसमें है ना ये चॉकलेट डालते हैं ना ऊपर से, ठीक है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप सब भी कमेंट में बताना आप सबको हॉट कॉफ़ी पीना पसंद है या कोल्ड कॉफी, ठीक है, फटाफट कमेंट करो यार। मुंह में क्या ना ये कोल्ड कॉफी गई ना तो बोला नहीं जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है ना इस वजह से, हाथ में भी ठंडी लग रही है ये। तो कार्तिक भाई सॉन्ग प्ले करो यार एक सिद्धू मूसे वाला यार मैं। ठीक है चलाता हूँ भाई। ये टोंक फाटक रोड है और ये नीचे टर्मिनल बनाया न्यू अभी, ठीक है। और ये देखिए इसकी खूबसूरती, लाइटें कितनी शानदार लगी हुई है, बहुत ही शानदार। और ये देखिए और ये कैफे है, ठीक है, बहुत ही शानदार लाइट्स लगी हुई है। टोंक फाटक एक नंबर, टोंक फाटक एक नंबर हो गया है। और ये भाई इसमें कौन कौन है, गांधी जी नेहरू जी सब है भाई। मुझे सबसे अच्छे नेता अब तक है ना रियल में नेहरू जी लगते हैं भाई। और वहाँ से घूमने के बाद मैं और कार्तिक भाई फाइनली खाना खाने पहुँच गए हैं। गरम गरम रोटी भाई, इतना बड़ा नींबू होता है क्या? हम खाना खा रहे थे यहाँ पे और अपने मोहित भाई मिल गए हैं। हेलो मोहित भाई, कैसे हो? बढ़िया भैया, गाइस कैसे हो? खाना खा लो। और वो अपने भाई? बढ़िया भैया, किस्तो कोण में जूते लेना हो किसी को, बस कॉपी वगैरह आ जाओ। कहाँ पे? किस्तो कोण भैया, किस्तो कोण में शॉप, ठीक है। मैं मोहित भैया शॉप पे आ जाऊंगा, मोहित भैया बता देंगे मेरे को। मोहित भैया आप बता दोगे ना मेरे को, शूज लेने भी है। देखा कि हम फ्री हो चुके हैं और ये अपनी गाड़ी है भाई, चाबी मेरे पास है यार, कौन से जेब में रख दी मैंने चाबी, ये रही गाइस ये रही। हाँ खुल गया सिम। चलो भाई चलो भाई, सर्दी लग रही है मेरे को तो बहुत ही ज्यादा। और वहां पे लड़ रहे हैं भाई बटर पे कि बटर असली है नकली है। यार अब हम जा रहे हैं घर पे फाइनली, खाना वाना खा के घूम के फ्री हो चुके हैं पूरी तरीके से। अरे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और अब घर के लिए निकल रहे हैं मैं और कार्तिक भाई, ठीक है। आप बस सोएंगे, जाके नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई। गाड़ी के अंदर तो पता नहीं लगता। हाँ गाड़ी के अंदर पता नहीं लगता, लेकिन बाहर जैसे ही निकलेंगे ना एकदम से ऐसे सर्दी लगेगी बहुत तेज। कोई दिक्कत नहीं है तो गाड़ी सीधा घर में चलेंगे अपन। अपनी गाड़ी को हम पार्किंग में लगा चुके हैं और घर पे पहुंच चुके हैं मैं और कार्तिक भाई। तो कार्तिक भाई ये लाइट जली रहेगी या बंद भी होगी? अच्छा फ्रंट वाली भी जल रही है यार, ये हो गई बंद।